जैसा कि आप थंबनेल को देख करके जान चुके हैं कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों का इंतजार खत्म। 10 जनवरी से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। 7 साल बाद सरकारी स्कूलों को मिलेंगे नए शिक्षक, तो इसी के बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्रता परीक्षा 2018 उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों का इंतजार खत्म। 10 जनवरी से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। 7 साल बाद सरकारी स्कूलों को मिलेंगे नए शिक्षक। जनवरी और फरवरी में होगी भर्ती, मार्च अप्रैल में दी जाएगी ट्रेनिंग। नए साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी हो सकेगी। वजह यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू करेगा। फरवरी तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। मार्च अप्रैल में इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद नए सत्र से स्कूलों में ये नए शिक्षक पहुंच जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया की तारीख बकायदा घोषित कर दी है। इसमें वे शिक्षक शामिल हो सकेंगे जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा इन पदों के लिए ली गई पात्रता परीक्षा 2018 में पात्र पाए गए हैं। इनकी भर्ती मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग 2018 के कैडर में की जाएगी। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत का कहना है कि विभाग जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसके बाद स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। भर्ती के संबंध में विस्तृत विवरण, नियम निर्देश, प्रक्रिया, खाली पद, आरक्षण, अर्हता आदि विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल trc.mponline.gov.in पर 10 जनवरी से उपलब्ध रहेगा। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा एवं ट्राइबल के स्कूलों में इन दोनों श्रेणी के 22,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होना है। सरकारी स्कूलों को 7 साल बाद नए शिक्षक मिल पाएंगे। इससे पहले 2013 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने संविदा शिक्षकों के 16,000 पदों के लिए परीक्षा ली थी। इसके बाद लगातार 6 साल तक भर्ती नहीं की गई। सेवा शर्तें नए कैडर की ही लागू होंगी। पदोन्नति के पद स्पष्ट करने की मांग। इन दोनों पदों के लिए पिछले साल बनाए गए नए कैडर की ही सेवा शर्तें लागू होंगी। इसी कैडर में अध्यापकों का संविलियन इस 3 श्रेणियों में नए पद सृजित किए गए थे। शासकीय अध्यापक संगठन के संयोजक उपेंद्र कौशल का कहना है कि पिछले साल 30 जून को नए कैडर के संबंध में जारी गजट नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया था कि इस कैडर में भविष्य में जो पद आएंगे उनमें 50% पद सीधी भर्ती एवं 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। हमारी यह मांग है कि विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन दोनों पदों पर की जा रही सीधी भर्ती में गजट नोटिफिकेशन के इस प्रावधान का ध्यान रखा गया है या नहीं। आजाद अध्यापक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज वर्मा का कहना है कि इस मामले को लेकर हम स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी एवं विभाग की प्रमुख सचिव से 10 जनवरी से पहले मिलेंगे। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण कदम है जो कि पात्रता परीक्षा 2018 का जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। अब 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।